हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज के क्रंच के बारे में। अभी मैं क्रंच करने वाली हूँ क्ले पॉट, होल क्ले पॉट, ब्रोकन नहीं है आज का। ये एक मटकी है, ये एक टाइनी ग्लास है, ये भी एक टाइनी ग्लास है, बट इसका सेप अलग है। ये तीनों आइटम को मैं क्रंच करूँगी। मैं ये पेबल पॉट भी ली थी क्रंच करने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा आज वो पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था ना 3-4 घंटे पहले, नहीं उसे थोड़ा और पहले, वो अनसेप्ड फाइट आइटम का जो मैंने क्रंच किया था उसमें से मुझे ऊपर इधर लग गया था, तो वो थोड़ा दर्द है, तो इसलिए मैंने एक कम कर दिया क्योंकि ज़्यादा क्रंच करो फिर से दर्द बढ़ गया तो ठीक नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मतलब एक आइटम रख दिया। ये तीनों को मैं क्रंच करूँगी अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स चलिए आज का क्रंच स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। पहले मैं ये डिज़ाइनर वाला ग्लास से करूँगी। देखिए इसके गले पे छोटे 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 डिज़ाइन किया हुआ है, इससे क्रंच शुरू करूँगी। होप कि मैं कर पाऊँ क्योंकि इधर दर्द है मुझे। फ्रेंड्स क्ले पॉट बहुत ही क्रंची है, लेकिन मुझे इधर दर्द है तो मुझे डर लग रहा है क्रंच करने में कि फिर से लग जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं ये बाकी के दोनों क्ले पॉट ना वेट कर लेती हूँ। रुकिए मैं थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स मैं पानी लेकर आ गई हूँ। चलिए इन दोनों को वाटर फिल कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो लगने का डर नहीं रहेगा, फिर मैं भी इंजॉय करके फिर क्रंच कर पाऊंगी, ठीक है फिर? तो चलिए ये मटके को क्रंच करते हैं।
फ्रेंड्स, मेरा आज का क्रंच कंप्लीट हुआ। तीनों के तीनों क्ले पॉट ही बहुत ही लाजवाब थे। जो ड्राई क्रंच किया मैंने क्ले पॉट का ग्लास का, वो आपका बहुत ही क्रंची था, अर्धी था, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि लग जाएगा, पहले से लगा हुआ है। लेकिन जब जब मैंने बाकी के दो क्ले पॉट वेट कर लिया, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, तो थोड़ा सा मतलब क्रंच साउंड फिर भी आ रहा था। बहुत ही अच्छे से क्रंची क्रंची था, मतलब क्रंच भी हुआ, लेकिन वो नोखीलापन जो रहता है ना कि लग जाएगा, वो फिर वो डर नहीं लगा। लेकिन अर्धीनेस तो मानो दुगना हो गया है, मतलब ड्राई क्ले पॉट के हिसाब से वेट क्ले पॉट बहुत ज़्यादा अर्धी हो गया। इतना अर्धी कि क्या बताओ, पूरा एकदम मुँह पूरा अर्धीनेस में भर गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही अर्थी था। मतलब मुझे तो बहुत ही मज़ा आया क्रंच करके, पूरा का पूरा सेटिस्फाइड नहीं मैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्रंच देख कर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने इंजॉय किया कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है। और आप लोग ये भी बताइए कि मैं और किस तरह का क्रंच कर सकती हूँ, वो भी बताइए, मैं करने की कोशिश करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड इन्जॉय। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड्स।